लालू जी नहीं झुके भाजपा के आगे तो तेजस्वी भी नहीं झुकेगा। आपस में झगड़ा मत कीजिए, यही हम लोग चाहते हैं। लड़ाई लड़ना है कि नहीं लड़ना, प्रेम और भाईचारे का भाव रहना चाहिए। आजकल लोग परिवार का लोग कितना पढ़ता रहता करते रहता है, नेता बनता। नमस्कार, आप जुड़ गए हैं बोले भारत से और मैं हूँ कुमार मनीष। कल बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और महान समाज सेवी कर्पूरी ठाकुर जी को जिस तरह से केंद्र सरकार यानी बीजेपी ने भारत रत्न देने की घोषणा की है, सत्ताधारी हो या विपक्ष हो, सभी लोग वाहवाही मना रहे हैं। कल जिस तरह से बिहार में हर पार्टियां उनका 100वां जन उत्सव शताब्दी मना रही थी, उसके बाद खुले मंच से नीतीश कुमार का एक बयान सामने आया जो काफी तेजी से वायरल भी हो रहा है, परिवारवाद पर। वो इशारों में लालू परिवार पर क्या कुछ बोल गए, आप सुनिए। उसके बाद तेजस्वी यादव और लालू यादव का क्या बयान रहा, सुनिए इस। जननायक कर्पूरी ठाकुर जी अपने किसी परिवार को कुछ करते थे? आजकल लोग परिवार का लोग कितना पढ़ता रहता करते रहता है, नेता बनता। और जब उतने बड़े नेता थे वो अपने किसी लड़के को करने नहीं, तो चले गए तभी हम इनको, जो रामनाथ ठाकुर जी को, जब वो चले गए तो हम ही लोग रामनाथ ठाकुर जी को आगे बढ़ाए। लालू जी नहीं झुके भाजपा के आगे तो तेजस्वी भी नहीं झुकेगा। ये ईडी और सीबीआई को लगाएंगे और बीजेपी को कितना इन लोगों का अंदर अंदर लहर रहा होगा कि कर्पूरी जी को देना पड़ रहा है, तो वही लोग बुझा रहा होगा। तो आप समझिए कितनी बड़ी जीत हुई, तो इसकी खुशी हम लोग मनाने का काम करें। और हमें खुशी है कि आप लोगों का साथ हम लोगों के साथ हमेशा रहता है, आप लोगों का आशीर्वाद मिलता है। चाहे कुछ भी हो जाता है, आप लोग लालू जी का साथ नहीं छोड़ते। तो इसके लिए आप सब लोगों को हम प्रणाम करते हैं हाथ जोड़ करके कि आप लोगों के बदौलत इतनी बड़ी ताकत मिली है। और हम यही उम्मीद करते हैं कि ये ताकत जो है आप लोग इसी हिसाब से आगे देने का काम करें। तो आगे ताकत मिलेगा कि नहीं मिलेगा, दोनों हाथ उठा करके बताइए, आगे ताकत मिलेगा? तो लड़ाई लड़ना है कि नहीं लड़ना? और ज्यादा कुछ हम नहीं कहेंगे, राष्ट्र अध्यक्ष जी हम लोग अरे साथ हैं, आप लोगों के बीच आए हैं और ये भी आप लोगों के समक्ष आप लोगों से बात करेंगे। लेकिन इनको आश्वासन दे दीजिए, पूरी मजबूती के साथ लोकसभा का चुनाव 2024 का हम लोग लड़ेंगे। लड़िएगा कि नहीं लड़िएगा? एकदम मजबूती के साथ। मतलब लोगों को खिलाने का, आप तो तिलक में जो सामान खरीदते होंगे लोग, पाव भाजी पाव भाजी ले लेना। और बाबा मोमो चाउमीन पिज्जा बर्गर शॉपिंग वगैरह हो गया था। हैं? फोक्चा हाँ पानी पूरी। हमें तो एकदम पसंद नहीं होता जो 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 हम बिना रहे। तो आप लोग गांव गांव से आए हैं, आप सब पूरी मजबूती के साथ एकजुट होकर के रहिए और जोड़िए, गरीबों को जोड़िए, दलित